हेलो गाइस, जराध्या कुकिंग किचन में आप लोग को स्वागत है। देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ चना दाल रेसिपी। एक कप दाल ले लिया है, उसको भिंगा कर रखेंगे 10 मिनट के लिए। देखिए हो गया है, अब इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ कर कर बैठा देंगे कुकर में, बॉईल करेंगे इसे। इसमें एक चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा पानी कमी लग रहा था इसलिए थोड़ा पानी डाल दिए हैं। अब इसको बैठा देंगे, 5 सीटी लगाए हैं फ्रेंड। देखिए चना दाल पक कर तैयार है, इसको 5 सीटी लगाए हैं क्योंकि चना दाल थोड़ा बॉयल होने में टाइम लगता है। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। कढ़ाई ले लिया है, गरम हो गया है मेरा कढ़ाई। अभी इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, तेजपात, हींग। इसको चटकने देंगे फ्रेंड। देखिए चटक गया है मेरा। अब लहसुन डाले हैं, 5 कलियाँ ली हैं, इसको टुकड़ा टुकड़ा काट लिया है। लहसुन डालेंगे, 1 बड़ा प्याज डालेंगे। अब इसको सुनहरा होने तक भून देंगे। देखिए मेरा भुंजा गया है। इसमें एक बड़ा टमाटर ले लिया है, उसको कट कर दिया है, वो डालेंगे। इसको ऐसे ही दाल बनाइए फ्रेंड, बहुत ही बच्चा अच्छे से बच्चा भी खाते हैं। हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर चला लेंगे। मसाला अच्छे से तरह से भूनेंगे। देखिए भून लिया है। अब इसमें डालेंगे दाल, बॉइल किया हुआ दाल डालेंगे फ्रेंड। इसको डालकर चला लेंगे और इसको ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी इसमें अब नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पानी मेरा सही है, इसलिए थोड़ा गाढ़ा रहता है ना चना का दाल तो अच्छा लगता है। देखिए अब 5 मिनट के बाद हटाए हैं। देखिए कितना अच्छा बना है मेरा दाल। 1 चम्मच घी डाल देंगे, देसी घी ऊपर से डालेंगे क्योंकि अच्छा लगता है ऊपर से, बहुत ही टेस्टी लगता है घी का स्वाद, इसलिए। देखिए तैयार है अब चना दाल रेसिपी।